सिक्योरिटी एक नहीं दो दो राज्यों की ले ली, बंगला एक नहीं सात के चार बंगले खाली करा के अरविंद केजरीवाल का बंगला बना है। 45 करोड़ रुपया जिसके बंगले पे केवल रेनोवेशन पे लगा है। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी जो इनका दिल्ली जल बोर्ड नहीं मुहैया करवा पा रहा, वहां मुख्यमंत्री के घर का स्विमिंग पूल 8 करोड़ का नया बना और उसमें रोज पानी नया भरा जा रहा है। दिल्ली के लोगों के लिए एक शौचालय नहीं बना लेकिन वहां पर 15 शौचालय अरविंद केजरीवाल जी के घर में बने। गरीब के लिए एक पक्का मकान नहीं बना लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के फर्श पर केवल 4.5 करोड़ रुपया खर्च हुआ। आपको तो लकड़ी का एक बोर्ड लगाना हो तो महंगा दिखता होगा, 8 करोड़ के लकड़ी के बोर्ड सजावट उससे हुई है। गरीब 10,000 रुपए का टीवी नहीं खरीद सकता, अरविंद केजरीवाल ने 10.5 लाख रुपए का टीवी अपने घर के लिए खरीदने का काम किया है और एक नहीं कई टीवी खरीदे हैं। ये आम आदमी के नाम पर वोट तो मांगते हैं लेकिन आकर लूट की खुली छूट दिल्ली और पंजाब में है। भ्रष्टाचार रिकॉर्ड तोड़ रहा है, माफिया फल फूल रहा है, आतंकवाद की घटनाएं बढ़ रही है। पंजाब में अच्छा क्या हुआ एक साल में? मेरी बहनें जिन्होंने इनके ऊपर भरोसा करके वोट दे दिया था, आज कभी अपने आप को कभी अपने बैंक के खाते को देखती हैं कि 14 महीने बीत गए, 14,000 रुपये इकट्ठा होना था, 14 पैसे भी उसमें जमा नहीं हुए। मान करने वाला काम कोई भगवंत मान ने नहीं किया, बेईमानी वाले काम सब भगवंत मान की सरकार ने। और ये सवाल खड़ा होता है कि किस मुंह से वोट मांगे? इनके कैंडिडेट जिनका वीडियो लगातार वायरल हो रहा है आम आदमी पार्टी के, जो पहले दूसरे दल में रह के कहते थे कब आएगा महिलाओं के खाते में पैसा, कब आएगा खाते में पैसा, मेरा सवाल उनसे है जनाब अब तो आपने पार्टी ज्वाइन कर ली अभी तक पैसे नहीं आए। दूसरा कांग्रेस का तो वही हाल है, एक ही परिवार से विधायक, एक ही परिवार से सांसद और एक ही परिवार के फिर वापस उसी परिवार को वापस टिकट देने का काम किया। कांग्रेसियों में भारी हताशा और निराशा है कि कांग्रेस केवल एक ही परिवार तक सीमित होकर रह गई। बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता पार्टी छोड़ भी रहे और अंदर खाते मदद भी कर रहे हैं। अब जहां भारतीय जनता पार्टी की बात आती है, पंजाब के लिए एम्स देने की बात हो, पीजीआई सैटेलाइट केंद्र देने की बात हो, स्मार्ट सिटी के लिए 950 करोड़ देने की बात हो, नए नए हाईवेज निकालने की बात हो, सुपर एक्सप्रेसवे बनाने की बात हो, ये किसने किया? ये हमारी सरकार ने किया, मोदी जी की सरकार ने किया। करतारपुर कॉरिडोर भी खोला, हेमकुंड साहब में रोपवे भी बनाया, चारधाम की सड़कें भी बनाई और प्रकाशोत्सव 550वां गुरु नानक देव जी का, 400वां गुरु तेग बहादुर जी का वो धूमधाम से भी मनाने का काम किया। तो साहबजादों का शहादत को वीरवाल दिवस 26 दिसंबर को मनाने का काम ये मोदी सरकार ने शुरू किया। 1984 के दंगों को सजा दिलाने तक का काम, जांच कराने का काम, एसआईटी गठन करने का काम मोदी सरकार ने किया। अफगानिस्तान में फंसे हमारे सिख भाई हमारे गुरुद्वारों पर हमला हो उसको रोके, वहां से भीड़ गुरु ग्रंथ साहब निकालकर स्पेशल 3-3 फ्लाइटें चलाकर सिख परिवारों को बचाकर लाने का काम हमने किया। एक नहीं अनेक काम उस दिशा में किए हैं। हम जनता के बीच में अपने काम के नाम पर वोट मांगने जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अपना मुंह छिपाती फिर रही कि करें तो करें क्या। भाई और बहनों, मेरे पास बहुत सारे मुद्दे हैं लेकिन मैं एक लाइन में अगर कहूं, पंजाब में माफिया फल फूल रहा है, भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड जो कांग्रेस ने 5 साल में नहीं किया आम आदमी पार्टी ने 1 साल में तोड़ दिया, नशा वो रोकना तो छोड़ो अब महल्ले महल्ले में बेचने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार में हो रहा है। जो आतंकवाद कुचल दिया था वो फिर एक बार पनपने का काम इनकी सरकार के समय हो रहा है। यही नहीं, व्यापारी अधिकारी और यहां तक खिलाड़ियों से लेकर संगीतकार, इनकी हत्याएं हो रही हैं
और इनसे वसूली की जा रही है। ये आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं, वसूली की सरकार है। और जो कर्मचारी हैं वो सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर निकले हैं, आंगनवाड़ियों से लेकर, टीचरों से लेकर, बाकी सब तक। आपने वीडियोस देखे हैं, इनके विधायक ने कहा मैं 26,000 नौकरियां लगाते, कहते कितनी लगाई, खड़े हो गए उनके लोग। ये हालात है, सारे चंगी गलत है मित्रों। थोड़े लिए बजट जरूर बद गया एडवरटाइजमेंट का, थोड़े सारे लिए, थोड़े सारे लिए इन्होंने 700-700 करोड़ रुपया साल का एडवरटाइजमेंट का बताता, थोड़े सारे लिए बताता है। पर जोड़े बोर्ड लगे ने वो बोर्ड बिल्कुल खाली ने, बोर्ड से लिखा है एक साल काम दमदार, उपलब्धि कोई नहीं लिखी कोई नहीं। तो सरकारें लिखती हैं कि होर्डिंग लगता है तो उस पर लिखती है कि हमारी ये उपलब्धि, हमारी ये उपलब्धि, हमारी ये उपलब्धि। तो ये चंडीगढ़ तो शुरू कर लो तो पंजाब के किसी कोने तक चले जाओ, केवल हर महीने नवा सूट सवा के मुख्यमंत्री जी अपनी फोटो नवी लगवा के नवा होर्डिंग लगवाते हैं, पर नवी उपलब्धि कोई नहीं लगती, एक भी नहीं लगी आज तक। मेरा अरविंद केजरीवाल से भगवंत मान ने एक बड़ी बड़ी शिकायत है, गिला है मेरा, मैं पक्का पता पंजाबियों का गिला भी जरूर होएगा। तो जिहड़े पंजाब बारे ते देश बारे सोचते ने सच्चे ने, वो तो जरूर वोट की चोट इस बार देंगे। जिहड़ा भ्रष्ट मंत्री इन्हां दा जेल दे विच पिया शराब मंत्री, उन्हूं शहीद भगत सिंह दे नाल जोड़न दा काम अरविंद केजरीवाल करते ने। पंजाबी इस गल नूं कदे माफ नहीं करनगे। और शराब घोटाला करके जेल च पिया है, 3 महीने तो उहदी बेल नहीं होई, ते अरविंद केजरीवाल जी कहिंदे ने शहीद भगत सिंह दा दर्जा उन्हूं दित्ता जाए। जिहड़ा दूजा सतेंद्र जैन जेल च पिया है, उन्हूं भारत रत्न देने की गल अरविंद केजरीवाल जी करते हैं। इहदा मतलब जद इहनां दा नंबर लगना तो किहदे नाल अपनी बराबरी करनगे। वो दिन दूर नहीं, शराब घोटाले का किंग पिन भी जाएगा। तो पंजाब सरकार से बड़े वड्डे सवाल खड़े होंदे ने, समय आएगा। पंजाब के MP का नाम भी जो तुसीं देखे उहदे च आया है, ये तार कित्थे दे कित्थे शराब घोटाले से जुड़े ने। तो पंजाब के चुनाव तो पहले जिहड़ी वसूली पंजाब तो बाहर कीती ने, हुण उही इत्थे पंजाब के अंदर करन दा भी पूरा पूरा काम किया जा रहा है। सवाल तुहाडे मन च बहुत होणगे, एक एक करके सवाल लै सकते हैं। जिन्हां नूं सरीन साहब कहणगे वो अपने एक एक करके सवाल पूछ सकते हैं। मिले any kind of molestation, any kind of sexual abuse, उत्ते जो कार्रवाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए, पुलिस की जांच होनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की है, जांच होएगी, जेड़ा उदे च पाया जाएगा उदे अनुसार पूरी कार्रवाई की जाएगी। पर जे जांच तुसी कहो कि बगैर जांच किते, मैं तुहानूं बड़ा क्लीयर करां भाई साहब, जे तुसी जनवरी की गल कर रहे हो उहदे च बहुत क्लीयरली सिलेक्शन प्रोसेस बारे क्या कि नहीं, सिलेक्शन पॉलिसी आई है, उन्होंने क्या साडे कॉन्ट्रैक्ट होया ते कॉन्ट्रैक्ट बारे जानकारी की गल की है। तीसरी उन्होंने क्या कि साडे रनिंग अफेयर जे रेसलिंग फेडरेशन दे इहदे च इलैक्शन पारदर्शी कराए जाण, 4-5 मंगा सी इहनां दीआं जिहदे लई कमेटी का गठन किया गया। तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने सारी 14 मीटिंगा करके सारिया के गल्लां सुनिया ने। जे किसी ने आरोप लगाया हुण उहदे सबूत दिता नहीं दिता, ना तुहानूं पता है ना बाकियों नूं पता है।
लेट पुलिस इन्वेस्टिगेट ऑन द सेक्सुअल हरासमेंट चार्जेस। ऑन द अदर हैंड एक कमेटी फॉर्म की गई है, डॉक कमेटी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ने उन्होंने मनिया है। वह कमेटी सिलेक्शन तो लैके डे टू डे अफेयरस में चलान तो लैके नवा इलेक्शन एक जज की अध्यक्षता कराने लई वो सारा तय हो गया है। दैट प्रोसेस इज ऑन। FIR दिल्ली पुलिस ने करती है, उन्होंने अगे जांच शुरू करती है। नाउ वी शुड जंप द गन, लेट द इंक्वायरी बी ओवर एंड लेट द फैक्ट फाइंडिंग बी देयर। भाई साहब मेरा तो जांच तो बिना की हो सकता है? मैंने भी गल दसो, तुहाडे उपर कल नूं कोई आरोप लगांदा है तुहानूं सीधा जेल च पा देणगे कि जांच करन? हु स्टॉप्स टू गो इन टू द पुलिस स्टेशन फाइल एन पुलिस कंप्लेंट? नोबडी स्टॉप्स। तुसीं इत्थे एक मिनट, जे इत्थे पंजाब कुछ हुंदा है तां पुलिस कार्रवाई करदी कि नहीं करदी है? कि नहीं करदी? हो गया ना जी, पुलिस FIR जांच की। तुसीं कंप्लेंट करोगे मैं तुहानूं उही गल कह रहा, सुप्रीम कोर्ट च केस है, दिल्ली पुलिस ने उहदे च FIR दर्ज कर ली है, जांच कर रही है। हुण तुसीं मीडिया ट्रायल करके तो सब कुछ नहीं कर सकते। जी देखो, कांग्रेस ने तो भगवान राम के प्रति भी वही रुख रखा और बजरंग बली के खिलाफ भी वही रुख। कांग्रेस तो तुष्टिकरण की राजनीति करती है और मुस्लिम तुष्टिकरण के चलते चलते वो इस गिरावट तक आ गई है कि वोट बैंक के लिए कभी ये भी कह देते थे कि भगवान राम तो काल्पनिक है, वो तो राम सेतु को नहीं मानते, वो भगवान राम को नहीं मानते। राम मंदिर बनाने के लिए भी जिस तरह का विरोध हुआ, लेकिन दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय करतारपुर कॉरिडोर को भी खुलवाया गया, हेमकुंड साहब तक रोपवे भी पहुंचाया गया, बीड़ों के मान गुरु ग्रंथ साहब के सम्मान भी किया गया। तो वहीं पर सोमनाथ धाम, केदारनाथ धाम, काशी विश्वनाथ धाम, इस सब का निर्माण भी किया गया और अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर भी बनाकर तैयार हो रहा है और दुनिया की कोई ताकत ना बजरंग बली को रोक पाई है ना उनके भक्तों को रोक पाएगी। दूसरा मैं कहूं, उनकी भाषा कांग्रेस की, मोदी जी को मौत का सौदागर कह देना, नीच कह देना, बिच्छू कह देना, मोदी तेरी कब्र खुदेगी और फिर जहरीला सांप कह देना, ये अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है, हताशा निराशा क्या है और कांग्रेस कितना नीचे गिर चुकी है। और इसका जवाब हर चुनाव में जनता ने दिया है, अब की बार कर्नाटक की जनता भी इसका जवाब देगी और जलंधर की जनता भी इसका जवाब देगी। मंत्रालय जवाब देगा आगे। भाई साहब अगर आप देखोगे सरकार ने जो वायदा किया उनके घोषणा पत्र में, हमने काले धन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की, 3.5 करोड़ लोगों को पक्का मकान भी बनाकर दिया जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई, हमने 8 साल में करने का किया। हमने 9.6 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर दिया जो सोनिया गांधी से लेकर इंदिरा गांधी जी नेहरू तक कोई नहीं कर पाए। हमने 11.5 करोड़ लोगों को पानी का कनेक्शन उनके घर तक लगा कर दिया जो 60 साल में कांग्रेस सिर्फ 2.5 करोड़ कनेक्शन कर पाई थी, हमने 11.6 करोड़ करने का काम किया। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज आयुष्मान भारत योजना बिल्कुल मुफ्त देने का काम किया, आप सबको वैक्सीन मुफ्त में लगवाने का काम किया। 80 करोड़ लोगों को 28 महीने तक अनाज बिल्कुल मुफ्त में दिलाने का काम किया, हर गांव तक बिजली, हर घर को बिजली का कनेक्शन देने का काम किया। ऐसे अनेकों काम, जहां सड़कें 12 किलोमीटर नहीं कांग्रेस के समय बनती थी नेशनल हाईवे, 40 किलोमीटर नेशनल हाईवे एक दिन में बनाने का काम किया। 2.5 किलोमीटर रेलवे लाइन बनती थी, आज 9 किलोमीटर एक दिन में बनती है। अगर आप खाता अपना पूरा जोड़ लेंगे और बाकी भी सारे जो मदद करने का काम किया, इससे ज्यादा देने का काम मोदी सरकार ने किया है। अच्छा,
सवाल की है, ये पंजाब की प्रॉपर्टी है, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन को लीज है, उन्होंने इस स्टेडियम नु बनाना सी, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने नहीं बनाया, ये उन्होंने करना है। तो पंजाब सरकार ने स्मार्ट सिटी के इनकलूड कर सकते सी, लेकिन पंजाब सरकार ने होर तक की करना, जो 950 करोड़ असी दिता है वह अज तक पता नहीं लग पा रहा गया कितने, जलंधर की सड़क नहीं बनी है, जलंधर स्मार्ट सिटी नहीं बन पाया, गया कितने पैसा? कांग्रेस से आम आदमी पार्टी तो सीधा सवाल है, पैसा गया कितने? हो बदले अपनी राजनीति करी, असं कदे भी नहीं की, ना अगे करा। ताई तो होर्डिंग सारे खाली पे ने, ना कोई स्कीम लागू की है, ना भैणां दे खाते च पैसे आए, सारे कर्मचारी सड़कों से मार्च करते पे है। इन्होंने ना साल से इतने काम किया, 9 साल इन्होंने उत्थे दिल्ली काम किया है। यह जिहड़ा धमकी देने का काम अरविंद केजरीवाल जी इतने करके गए ने, यह वोटां नूं डराण धमकाण का काम है, अरविंद केजरीवाल भुल गए ने, पंजाब की धरती से खड़े ने, पंजाबी डरते नहीं है। जो तुम धमका के वोटां लाओगे कि साडे तो कम लैना, तो वोटां पाओ, तो पंजाबी वोट की चोट तुहानूं देणगे आम आदमी पार्टी। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत आपकी वोट की है। मैं पंजाब के लोगों से विशेष तौर के जलंधर के इस बाय इलेक्शन में कहता हूं, अपने वोट का सदुपयोग करें, भारतीय जनता पार्टी को चुने, अच्छा सांसद आपका आएगा तो कम से कम 9 साल जैसे मौन व्रत रख के पिछले सांसद रहे, आप वैसे नहीं रहेंगे, आपकी आवाज को वहां पर उठाया जाएगा और मोदी सरकार के माध्यम से पंजाब में और बड़े प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। मैडम ऐसा है, लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, राज्य की पुलिस को उसके ऊपर कार्रवाई करनी होती है और राज्य की पुलिस को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, किसी ने इनके हाथ नहीं बांधे। मैंने पहली बार देखा है पंजाब पुलिस को इतना कमजोर इन लोगों ने कर दिया, निर्णय नहीं कर पाती सरकार। और कौन सी ऐसी मजबूरी है भगवंत मान जी की सरकार की कि नशे वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? गैंगस्टर जो जेलों में बैठकर हत्याएं करवा रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? कौन सी मजबूरी है जो पहले कभी कांग्रेसियों के खिलाफ कभी अकालियों के खिलाफ प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे, भगवंत मान जी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, क्यों डरते हो, क्यों घबराते हो, क्यों निर्णय नहीं कर पाते हो? और मैं कहता हूं हमें केंद्र सरकार से आपको जो सहयोग चाहिए होगा, हम तो लगातार सहयोग कर रहे हैं, हम तो नशे के खिलाफ पूरे देश भर में मुहिम चला रहे हैं, नशा व्यापारियों के खिलाफ उनको पकड़कर और कड़ी सजा देने का काम भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते से चुनाव लड़ रही है, वधिया उम्मीदवार कैंडिडेट दे के ते पंजाब ले जो असी किता है ते पंजाब ले जो असी कर सकते हैं उन्हों मुद्दे रखते हुए असी जनता दे विच जा रहे हैं। शानदार समर्थन मिल रहा है, लोग ज्वाइन कर रहे हैं।
असं चुनाव चंगिया वोटा ना जितांगे। कोई भी कोएलेशन दा संभावना है मैनू तो अज कोई नजर नहीं आती। एक मिनट इस देश कानून के हिसाब न चलता है, कोर्ट के हिसाब न चलता है, उन्होंने अपना काम कर दो। चलो सॉरी पंजाब सरकार हो सकता कंप्लेंट कर दी हो। चलो खेलो इंडिया के अंतर्गत असी बहुत सारे प्रोजेक्ट पंजाब में दिते ने, अमृतसर बठिंडा तो लैके बाकी क्षेत्रों में भी, तो असी हर जिले के खेलो इंडिया सेंटर पंजाब के खोलिया है, यानी कि खोलन की अनाउंसमेंट भी करती है, जिते रह गए उत्थे भी खोल दिता जाएगा हर जिले।